मैंने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे धक्का देकर चला गया। माफी चाहती हूँ, उसे मैं रोक ना पाई। ए, तुमको कहीं चोट तो नहीं आई ना जमुना भाई? ज्योति ताई। हाँ हाँ वही वही ज्योति ताई, लेकिन चोट नहीं आई ना? नहीं, मुझे चोट नहीं आई। ये सब संभालना कितना मुश्किल है। मुझे त्याला संभालना खूब कठिन होता। क्या? यानी उसको संभालना बहुत मुश्किल था। अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी मैं उसको पकड़ ना पाई। माफी चाहती हूँ। मौसम्बी। हाँ, ओ मौसम्बी। मौसम्बी अब जूस। अब रोशनी की इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म ही हो चुकी है। विटामिन सी की जरूरत है। मुझे लगता है इसको एक दिन में 3-4 मौसम्बी के ग्लास देने पड़ेंगे। राइट राइट माँ? 3-4? क्या हुआ, क्या देख रहे हैं आप? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। कैसा लग रहा है अब? रोशनी दीदी, वो क्या बोल रहा था आपसे? क्या कह रहा था आपसे? I mean, कुछ पूछा था उसने आपसे? मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं नहीं जानती। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो यहाँ पे क्यों आया था। मुझे नहीं पता। बस कीजिए, आशक्त पण खूब आला है। आपको दिखाई नहीं देता कि ये बच्ची कितनी कमजोर है? और आप लोग हैं कि इसे सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। इस बच्ची ने आपसे कह दिया कि इसको कुछ नहीं मालूम। अगर आपके बहू की तबीयत और खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अब मैं ये बात बार बार नहीं कहूंगी। आप लोग जाइए और इसके लिए छुआरे का दूध लेकर आइए। चल चलो चलो चलो, जल्दी दूध बना दो शब्दम। चलो सो जाओ रोशनी, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कभी किसी बात से परेशान हो ना तो उसे बांट लेना चाहिए। अगर मन में कोई बात हो तो मुझसे कह दो। मैंने कहा था ना, मैं तुझे अपली आए। तुम्हारे घर में तो कान्हा की मूर्ति भी है ना बेटा, वो कान्हा सबका भला करते हैं। ठीक है, अगर तुम मुझसे नहीं कहना चाहती तो मैं चलती हूँ। ज्योति ताई प्लीज मत जाओ ना, आप मेरे पास ही रहो, मुझे आपके पास अच्छा लग रहा है। प्लीज मत जाओ ना, आपके साथ मुझे अपनापन महसूस होता है। पता है, इसीलिए तो कह रही हूं कि अगर मन में कोई बात हो तो उसे बांट लेना चाहिए। बांटने से मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का हो जाता है तो दिल में बुरे ख्याल नहीं आते। मुझे आपके साथ ही रहना अच्छा लगता है। आप मत जाओ।
मेरे पास ही रहना। वही तो, हो सकता है कि उस लड़के के साथ भी तुम्हारा कोई नाता हो, कोई बात हो। अगर वो लड़का अपनी जान को जोखिम में डाल के यहाँ तुम्हारे पास चला आया तुम्हें देखने के लिए, तो हो सकता है ना कि तुम्हारा उससे कोई नाता हो, कोई रिश्ता। याद करो रोशनी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप और परेशान मत हो बेटा। अब तुम ये सब कुछ भूलकर आराम से सो जाओ, हम कल बात करेंगे। सो जाओ। सो जाओ। जो हाल तुम लोगों ने मेरी रोशनी का किया है उसकी तुम सबको कीमत चुकानी होगी, बहुत बड़ी कीमत। चाहे कुछ भी हो जाए रोशनी, ये लोग मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकते। हाँ डैड, ये सारी यादें हैं, वो बातें हैं जो मेरे और रोशनी के बीच हुई हैं पिछले 2 सालों में, और यही बातें, ये छोटी छोटी चीजें, ये मेरी मदद करेंगी रोशनी की याददाश्त वापस लाने। मैं सिर्फ रोशनी को ये चीजें दिखाऊंगा नहीं, इनके साथ जुड़ी हुई हर बात, हर सिचुएशन, हर सीन रिक्रिएट करूंगा। और मेरी रोशनी को धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा, सब कुछ। वो बिल्कुल याद आएगा, क्यों नहीं आएगा है। ओ श्रीमती खुराना जी। हाँ जी। आपने देखा अपने बेटे के होंठ क्या लाल हो गए हैं, लड़का प्यार में है। वाकई में हो गए, वैसे बहुत सुंदर लग रहा है ना। नहीं नहीं, मेरा मतलब है लग रही है ना। डैड डैड, हेलो, कंट्रोल योर इमोशंस। मॉम जरा डैड को संभालिए, ये भावनाओं में थोड़े बहते जा रहे हैं। मुझ पे लाइन मत मारना, मैं अब भी आपका बेटा ही हूँ। अब ओ ये तेरा खाना। थैंक यू मॉम। वैसे पता है आप दोनों को मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं ना इस खाने में ना बहुत सारी मिर्ची डाल दूं ताकि वो बंसी और वो जो शबनम है ना वो खाए और उन्हें अपनी अपनी नानी याद आ जाए। हाँ अगली बार सोचना मत, डाल देना। शबनम, शबनम की तो मैं वो हालत कर दूंगा कि वो ना घर की रहेगी ना घाट की। अगर शबनम को मैंने खून के आंसू ना रुलाया ना डैड, तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ खुराना नहीं। निकलो। तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, अब तो पुलिस को मैं बुलाऊंगी। और रियली पुलिस को बुलाऊंगी, प्लीज फील फ्री टू कॉल द पुलिस। मैं भी उन्हें कह दूंगी कि ये पल्लू मैंने फाड़ा है। और बाय द वे, बहुत बुरा अंजाम होगा अगर और ज्यादा देर इस घर में रुकी तुम, समझी? जस्ट गेट आउट ऑफ दिस हाउस। अंजाम तो तुम लोगों का बुरा होगा, अपने बेटे को जरा संभाल के रखो। जस्ट लीव। माय गॉड, ठीक तो है ना? ओह मॉम, हार्ट अटैक आने वाला था मुझे। गॉड, हे भगवान। मैं बहुत कोशिश भी करती हूँ पर मुझे कुछ भी याद नहीं आता और ना मेरे सर में बहुत दर्द होने लगता है। लेकिन इसमें
परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। तुम एक सुंदर लड़की हो, अच्छी बहू हो, सुशील बहू हो, तो प्रॉब्लम क्या है? मतलब ये कि जिस तरीके से आप इसे सिखा रही हैं और जिस तरीके से रोशनी सीख रही है, ये मेरा दावा है कि ये बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाएगी और मैं भी तो हूँ इसे सिखाने के लिए। चल अब ये दाल कुकर में डाल डाल। पता नहीं ये खुराना सब को क्या समझते। छोड़ूंगी नहीं मैं इन लोगों को। क्या हुआ, तू क्यों मक्खी की तरह भिन्नाए जा रही है? कुछ नहीं, बस मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है। सुन, कुकर की एक सीटी के बाद गैस बंद कर देना। हाँ, ध्यान से। बहादुर कुछ नहीं बा नहीं बताओ मुझे। गैस बंद की थी, छोड़िए ना इसे प्लीज। अरे देवा, काय जाना है तो? ऐसा लग रहा है जैसे हल्दी घाटी की लड़ाई अभी खत्म हुई हो। क्या हुआ यहाँ? बस आप सठिया गई हैं क्या? क्या आप लोग नहीं जानते कि इसकी तबीयत खराब है? इसे वैसे ही चीजें याद नहीं रहती। और अगर आप लोग इसके दिमाग पर जोर डालेंगे तो इसकी तबीयत कहीं ज्यादा खराब हो सकती है। एक बात मैं सबके सामने साफ कर दूं कि आज के बाद रोशनी के ऊपर मेरे सामने ना ही कोई चिल्लाएगा और ना ही कोई जबरदस्ती करेगा। ठीक है, मुझे लगता है रोशनी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारी चौल में एक ऐसी ही लड़की थी जिसकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, बिल्कुल रोशनी की तरह। वहां के जो पंडित जी हैं, उन्होंने जब इस बच्ची को प्रसाद दिया तो वो बच्ची धीरे धीरे करके ठीक हो गई। मुझे लगता है कि अगर रोशनी भी उन पंडित जी से प्रसाद ले ले तो मेरा दावा है कि वो भी जल्दी ठीक हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप ही की बच्ची है। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आज रोशनी गैस बंद करना भूल गई और कुकर फट गया। ये भी हो सकता है कि कल वो गीजर बंद करना भूल जाए और शकुन नहाते नहाते अपना चेहरा जला ले। या ये भी हो सकता है कि वो अपनी भूल से शॉर्ट सर्किट कर दे और पूरा घर ही उड़ा दे। या फिर ये भी हो सकता है कि वो भूल जाए कि उसकी शादी झुनका बाकर से हो गई है और वो उसे अजनबी मानने लगे और उसकी छाती में चाकू घोंप दे। होने को तो कुछ भी हो सकता है, झुनका बाकर मौत की नींद भी सो सकता है। नहीं नहीं, मेरे को मरना नहीं ऐसे, मतलब मैं जानती हूँ झुनका बाकर, कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, विधि का विधान कौन टाल सकता है? होने को कौन टाल सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है।
प्लीज मुझे मंदिर लेके चलिए, मुझे सब कुछ याद करना है वापस से। मैं दूसरों के लिए खतरा नहीं बन सकती माँ, प्लीज नहीं बनना है माँ, मैं ऐसे नहीं जी सकती, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक हो जाएगी बच्ची, यह ना कभी झूठ नहीं बोलता। ध्यान से देख, ध्यान से देख, इसमें तेरा पति तुझसे बहुत प्यार करता। बाबा जी, तेरे पति को कुछ बीमारी है, इसमें कभी कभी कुछ काला साया चढ़ जाता है, कुछ दिन इसे दूर रहना पड़ेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बाबा जी, काला साया मेरे कुणाल पर, बाबा जी, बाबा जी कोई उपाय बताइए ना। उपाय? उपाय है, रोज सुबह एक सुअर को ढूंढिए और उसको चारा खिलाइए। सुअर तो चारा ही नहीं खाता ना। तू चारा खिलाएगा तभी तू ठीक होगा। ठीक है बाबा जी। ठीक है, बच्ची भी ठीक हो जाएगी और आपका लड़का भी ठीक हो जाएगा। जी बाबा जी, जी। ये लीजिए, तू रुक, दफा हो जाइए। वो अपने पति से फैट करने के लिए हुआ है, है? बॉक्सिंग, पंचिंग, बस तुझे और कुछ नहीं आता। मैं तो जिंदगी बर्बाद होगी आपसे शादी करके। क्या कर रहे हैं आप? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और सारे मार्केट में खड़े होके ये जो लेडीज है ये मेरी वाइफ है, तू एक बॉय है, पता नहीं तेरी वाइफ कहाँ है, पर तू सबके सामने इसको छेड़ रहा है। सरदार जी आपको गलती हुई है, भाई हमारे गले पड़ रहे हैं। सरदार जी तुझे क्या लगा? और अगर हम दोनों बॉक्सिंग कर रहे थे तो क्या हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं? और हरविंदर वो जरा पप्पी दही, ये देख, वो हरविंदर जरा जप्पी दही, ये देख है। और तू सारे मार्केट में मेरी बोटी को छेड़। कोई आया था रोशनी? कौन आया था बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रही है, बोल ना। वो ज्योति को रखा था ना तेरा ख्याल रखने के लिए, कहाँ है वो? रोशनी तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन आया था। रोशनी बोलो, वो आदमी फिर से आया था। आ देवा, काहे चला ही तो? कहाँ मर गई थी तू? माजा डोकिया पर मारला, मेरे सर पे मार के गया कोई। मैं आप ही लोगों के पास आ रही थी आपको बुलाने के लिए, और ना जाने किसने मेरे सर पे जोर से मारा और मैं बेहोश हो गई, और जब होश आया तो भाग के आपके पास आई। क्या हुआ यहाँ पे? रोशनी सिड आया था ना, सिड आया था ना यहाँ पे, बोलो रोशनी बताओ। नहीं कोई नहीं आया। तुम्ही पुलिस मध्ये आहात का? आप सभी लोग इस बच्ची से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जैसे आप लोग पुलिस में काम करते हो। इन सभी सवालों के जवाब अभी लेना बहुत जरूरी है क्या? ये बच्ची अभी परेशान है, डरी हुई है, आप लोग अभी इसे और ज्यादा परेशान ना करें तो बेहतर होगा। रोशनी आओ बैठ जाओ। हो ना हो ये वो सिद्धार्थ का ही किया हुआ है, ये कोई मुंबई की राजकुमारी तो है नहीं जिसको अगवा करने की योजना बनाई गई हो, हैं? रोशनी हमसे झूठ तो नहीं बोल रही होगी ना? और शबनम का असर कम पड़ रहा हो, इसकी याददाश्त वापस आ रही हो, ऐसा तो नहीं ना कुणाल? देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें।